सी आई ई टी एन सी आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का बीसवा पाठ किसके जंगल पृष्ठ संख्या एक सौ बयासी यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महिला के साथ कुछ बच्चे पोटली लेकर जंगल में जा रहे हैं जंगल की बेटी सोच सकते हो कि ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते हैं अपनी कुड़ूक भाषा में गीत गाते हैं गिरे हुए फूल पत्ते बीन कर मालाएँ गुलदस्ते बनाते हैं जंगली फलों का मज़ा लेते हैं तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं इन बच्चों के साथ होती हैं इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती हैं बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है कहती हैं सूर्यमणि वह कहती हैं हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे पृष्ठ एक सौ तिरासी चर्चा करो तुम्हें क्या लगता है जंगल क्यों होते हैं कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है पता करो और लिखो पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो सूर्यमणि कहती हैं अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे ऐसा क्यों सूर्यमणि का बचपन बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी पर जब से शंभू ठेकेदार आया जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे पर बुधिया माई नहीं डरती थी वह कहती इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है हम इनके रखवाले हैं ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है मेरा या तेरा नहीं जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं पृष्ठ एक छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे पर फिर भी हालात नहीं बदले कभी खाना होता कभी नहीं मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया उसे वहीं रहकर पढ़ना था स्कूल से ही फीस खाना कपड़े किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी मनिया चाचा ने समझाया भूखों क्यों यह जंगल है ना सूर्यमणि का जवाब तैयार था अरे पगली हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है कहीं खदान खोद रहे हैं कहीं बांध बना रहे हैं जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई सोचो और लिखो तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका सोचो क्यों क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता है चर्चा करो तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा साझा बैंग है न तेरा न मेरा क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा ख़जाना है कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा सूर्यमणि का सफ़र बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा स्कूल घने जंगल के पास जो था स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी वजीफा लेकर बीए पास किया पृष्ठ एक सौ वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थी उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गाँव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को भी हो सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची जो दिन रात उसके साथ रहता सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती मिर्ची सुनता और कहता चीं ची सोचो और लिखो क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की जिंदगी नहीं समझते कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं ऐसा कहना सही क्यों नहीं है आदिवासी कैसे रहते हैं इस बारे में तुम क्या जानते हो लिखो और चित्र बनाओ क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा सूर्यमणि का तोरांग सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग कु भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल पृष्ठ एक सौ छियासी सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहनें जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला भी बच्चे सीखें अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें यह सब तोरांग केंद्र में होता है तोरांग में कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल ये भी हैं कहीं अन्याय हो रहा हो किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी कोई रोजगार छिन जाने से परेशान हो जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेता सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है दोनों साथ में काम करते हैं आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं उन्हें विदेश भी बुलाते हैं उनके अनुभवों से सीखने के लिए जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जंगल अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है उन्हें जंगल से हटाया ना जाए जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे पृष्ठ एक सौ सो सतासी सोचो क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगल के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं तुम्हारा अपना सपना क्या है सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या तो रंग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन नृत्य संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे तुम किस चीज को बचाए रखना चाहोगे पढ़ो और बताओ ओडिशा के एक स्कूल की दसवीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा उसका एक हिस्सा सुनो हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे? अगर जंगल ना रहे खानों में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकाल कर ज़मीन को खोखला कर दें तो बचेगा क्या सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन यह था सिकिया का पत्र मुख्यमंत्री के नाम अब बताओ क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है क्या कोई फैक्ट्री है उसमें किस तरह का काम होता है फैक्ट्री की वजह से ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है पृष्ठ एक सौ अठासी इस पृष्ठ पर भारत का नक्शा दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि भारत में कहाँ कहाँ जंगल हैं और कहाँ नहीं पृष्ठ एक सौ नवासी पता करो और लिखो कि नक्शा किस बारे में है तुमने सिकिया की चिट्ठी सुनी नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है समुद्र कैसे पहचाना नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र है नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है कैसे पहचानोगे ये कैसे पहचाना कहाँ ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे उन राज्यों के नाम लिखो मिज़ोरम में खेती की लॉटरी झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं वहाँ लोग कैसे रहते हैं कैसे खेती करते हैं इसके बारे में पढ़ो टन टन स्कूल छूटने की घंटी बजते ही आ, डिंगा डिंकिमा, इन्होंने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर बीच में सभी ने पानी पिया वहीं पर रखे बांस के बने कप में आज सभी बच्चे ही नहीं उनके साइमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में हैं आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी इसकी लॉटरी निकलने वाली है जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई वाह साइमा सर के परिवार का नंबर पहला आया वे बोले झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है यह मेरे लिए खुशी की बात है मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का, का काम करना मेरे लिए मुश्किल है सायरा सर ने तीन तीन जमीन मांग ली छोटी माथनी पूछ बैठी तीन तीन जमीन चामुई ने समझाया एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई पता करो नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो तुमने जमीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा जमीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है झूम खेती झूम खेती का तरीका निराला है एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं उसमें खेती नहीं करते इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं बस गिरा कर जला देते हैं यह राख जमीन में खाद का काम करती है जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे यह भी देखना पड़ता है फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई सब्जियां मिर्च और चावल बोए जाते हैं फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं पृष्ठ एक सौ इक्यानवे बस उस परिवार को उन्हें खिलाना पड़ता है मुख्य फसल चावल की ही होती है फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है सड़कें तो हैं ही नहीं बस ऊँचे नीचे पहाड़ हैं पीठ पर ही लादकर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है कई हफ्ते लग जाते हैं फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है सब साथ में खाना पकाते हैं खाते हैं और मज़े करते हैं चेराव नाच भी करते हैं इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं चराव नाच के बारे में पता करो कक्षा में नाच करो मिजोरम में लगभग तीन चौथाई लोग जंगलों से जुड़े हैं मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं ऐसी कई सीटियाँ तुमने भी तो बनाई हैं हम क्या समझे भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फर्क है सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था अपने शब्दों में समझाओ क्यों झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी किसके जंगल अभी आप सुन रहे थे कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का 20वां पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत